अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आयत एडिटिंग दोनों। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी बनने वाली है। आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फ्रेंड, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वॉच किया करें। आज मैं लिखूँगी हीरा, नेम टाइप कर लेना है, फिर आपने साइज़ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है आपने, इसका इतना कर लेना है आपने साइज़, इसको ओके कर लेना है। फिर आपने ए बी फॉन्ट पे क्लिक करके फॉन्ट ऐड कर लेना है। फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ से हम ये वाला फॉन्ट ले लेंगे। आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर आपने यहाँ से नेम को ट्रांसपेरेंट कर लेना है, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर लेना है यहाँ से। फिर आपने यहाँ से कार्ड पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने सेव एज इमेज पे क्लिक करके आपने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपने अल्ट्रा पे क्लिक कर लेना है। अल्ट्रा पे क्लिक करके आपने सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना है। जी तो फ्रेंड, मैं पीएसएस में आ गया, मैंने डीपी ऐड कर लिया। यहाँ प्लस पे क्लिक करके आपने नेम ऐड कर लेना है, यहाँ से मैं ये वाला नेम ले लूँगी। आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, अपने हिसाब से कर लेना है आपने इसको। फ्रेंड, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। यहाँ से आपने नेम को ऐड करके ओके कर लेना है। नेम ऐड करने के बाद आपने यहाँ से ये वाली सेटिंग कर लेनी है, सेम मेरे जैसी सेटिंग रखनी है। मोड प्लस कर लेना है, अपने मैजिक स्टिक को सिलेक्ट करके आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वॉच किया करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी आप लोगों के लिए। आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे इसको कट पे क्लिक कर लेना है, इसको कट आउट कर देना है आपने। फिर आपने इसको डीसेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक करके यहाँ से आपने एफएक्स पे क्लिक करके आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसका ब्लर 10 कर लेना है, डिस्टेंस आपने 5 कर लेना है, एंगल 180 कर लेना है, कलर वाइट ओके कर लेना है आपने। इसको अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसका जस्ट एंगल चेंज कर लेना है, इस बार इसका एंगल आपने 45 कर लेना है, ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है, इस बार इसका एंगल आपने 135 कर लेना है, ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने इसका एंगल चेंज कर लेना है, इसका एंगल आपने 90 कर लेना है, बाकी सेटिंग वैसे रहने देनी है, ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से टू लाइन्स पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने कर्व पे क्लिक कर लेना है। कर्व की सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है, इसको आपने गौर से देख लेना है और इसकी सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है, इसको आपने यहाँ पे ओके कर लेना है। फिर आपने प्लस पे क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है, यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। फिर आपने इसका यहाँ से ब्लाइंड मोड चेंज कर लेना है, यहाँ आपने इसका ब्लाइंड मोड ओवरले कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक करके यहाँ से आपने टिंट पे क्लिक कर लेना है। इसको कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको रेड कलर दे दूँगी, इसको आपने ओके कर लेना है। फिर आपने पेंसिल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट पिक्सल क्लिक कर लेना है आपने। फिर आपने प्लस पे क्लिक करके इसकी एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, यहाँ से आपने ओके कर लेना है। फिर आपने एंड पे क्लिक करके यहाँ से आपने फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ टाइप पे क्लिक करके आपने स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने इसकी विड्थ आपने 20 कर लेनी है, 20 करके इसको ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से पेंसिल पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने इसको कट कर लेना है, कट पे क्लिक कर लेना है आपने। यहाँ आपने इसको डीपी के बाहर क्लिक करके डी सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ से आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है। आपने इसका ब्लर आपने 4, डिस्टेंस भी 4, एंगल 180 कर लेना है, कलर वाइट ओके कर लेना है आपने। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने बेवल पे क्लिक करके इसका एंगल आपने जस्ट चेंज करना है, इस बार इसका एंगल आपने 45 कर लेना है, ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है, इस बार इसका एंगल आपने 135 कर लेना है, ओके कर लेना है आपने। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है, इस बार इसका एंगल आपने 90 कर लेना है, ओके कर लेना आपने। फिर आपने टू लाइन्स पे क्लिक कर लेना है यहाँ से, फिर आपने यहाँ से कर्व पे क्लिक कर लेना है, कर्व की सेटिंग जैसे इसको वैसे रहने देना, आपने ओके कर लेना है। फिर आपने यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करके फिर आपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने सनी आफ्टरनून पे क्लिक कर लेना है, इसकी इंटेंसिटी आपने 100 कर लेनी है, ओके कर लेना है आपने। यहाँ से आपने मैजिक स्टिक को सिलेक्ट कर लेना है और मोड प्लस कर लेना है। यहाँ आपने ये एम्प्टी नेम जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इस लेयर पे क्लिक करके आपने प्लस पे क्लिक करके यहाँ से आपने प्लस पे क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, आपने इसको ओके कर लेना है। फिर आपने एंड पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने टाइप पे क्लिक करके फिल पे क्लिक कर लेना है, इसको ओके कर लेना है आपने। फिर डीपी के बाहर क्लिक करके इसको डी सेलेक्ट कर लेना है यहाँ। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से अपने बेवल पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से अपने बेवल पे क्लिक करके इसका आपने ब्लर 8,
डिस्टेंस 4 एंगल 180 कलर वाइट ओके कर लेना है आपने इसको। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसका जस्ट एंगल चेंज कर लेना है, इस बार इसका एंगल आपने 45 कर लेना है, ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है, इस बार इसका एंगल आपने 135 कर लेना है, ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके इस बार इसका एंगल आपने 90 कर लेना है, ओके कर लेना है। यहाँ से आपने टू लाइन्स पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने यहाँ से कर्व पे क्लिक कर लेना है। कर्व की सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है, इसको ओके कर लेना है ऐसे ही। यहाँ से आपने प्लस पे क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। यहाँ से आपने इसका ब्लाइंड मोड चेंज कर लेना है, इसका ब्लाइंड मोड आपने ओवरली कर लेना है, इसको ओके कर लेना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसमें आपने कलर ऐड कर लेना है। यहाँ से आपने टिंट पे कलर दे देना है इसको, यहाँ इसको ऐसे ही रहने देना, ओके कर लेना है। आपने इसको मर्डन कर लेना है आपस में। स्ट्रोक वाली लेयर को आपने सेलेक्ट करके एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर लेना है, इसकी सेटिंग जैसे है इसको वैसे रहने देना है, इसको ओके कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके आपने अगेन इसको ड्रॉप शेडो दे देना है, इसकी सेटिंग जैसे है इसको वैसे रहने देना, ओके कर लेना है आपने इसको। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ग्लास फोन बहुत ही प्यारा बना है। अब हम इसमें कुछ पीएनजी ऐड करके इसको और ज़्यादा प्यारा बनाते हैं। यहाँ पे हम ये वाला पीएनजी ले लेंगे, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ अपने नेम के ऊपर इसको सेट कर लेना है। फ्रेंड, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जो लोग बगैर सब्सक्राइब के वीडियो देखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वॉच किया करें। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, फिर आपने इसको पेस्ट करके बाकी के नेम पर एडजस्ट कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस है गाइस। यहाँ पर ये लाइट पीएनजी ऐड कर लेना है आपने, इसका ब्लाइंड मोड चेंज कर लेना है। यहाँ से आपने इसका ब्लाइंड मोड अपने स्क्रीन कर लेना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने। फिर आपने इसको एंड पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म कर लेना है, यहाँ से आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। फिर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, इसको आपने यहाँ पे ओके कर लेना है। फिर आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है, इसको ओके करके फिर आपने इसको अगेन एंड पे क्लिक करके आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है, ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आपने ये वाला पीएनजी ले लेना है, फिर आपने इसकी एक कॉपी ले लेनी है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, फिर इसको आपने पेस्ट करके बाकी के नेम पे एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे आपने ये वाला पीएनजी ले लेना है, इसको आपने एडजस्ट करके ओके कर लेना है। फिर आपने पेंसिल पे क्लिक करके इसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, यहाँ से बाकी के नेम पे आपने सेट कर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ग्लास फोन बहुत ही प्यारा बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप्स में मेरे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ से आपको डीपी सेव करने का तरीका बताऊँगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। मेरा मकसद आपको एडिटिंग सिखाना है। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट किया करें। यहाँ से मैं आपको डीपी सेव करने का तरीका बताऊँगी। यहाँ आपने डन पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने यहाँ से शेयर पे क्लिक करके अपने सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है, फिर आपने डीपी पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से डीपी आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। दोनों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।